दोस्तों, अगर आप एक न्यूज चैनल चलाते हैं या आप न्यूज वीडियो एडिटिंग में एक 3D रोटेशन लोगो बनाना चाहते हैं, तो आप बड़ी ही आसानी से सिर्फ वन क्लिक में 3D घूमता हुआ लोगो बना सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ना कोई ऐप्स की जरूरत है, आप ऑनलाइन सिर्फ वन क्लिक में बना सकते हैं। तो सब कुछ समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलूंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अगर आपके पास मोबाइल ही है, आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, सेम तरीका सेम स्टेप आपको फॉलो करना है, तो आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल पे आना है, चाहे आप मोबाइल से कर रहे हो या लैपटॉप से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे आपको सर्च करना है 3D जीप मेकर। 3D जीप मेकर जैसे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखेगी 3DJeepMaker.com। आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट का कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे कुछ प्रीव्यू भी आपको नजर आ रहा है कि इस तरीके से आप 3D में घूमता हुआ किसी भी लोगो को या इमेज को बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको कई सारी सेटिंग्स भी हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जिस भी इमेज को अपलोड करना है, अपलोड इमेज पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मैं अपलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने इमेज सिलेक्ट किया तो ये घूमने लग गया है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप इसे एनिमेशन अगर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एनिमेशन का पूरा टैब है। और अगर आप नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो और भी कई सारे एनिमेशन इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको जो भी पसंद आता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ज़्यादातर ये न्यूज वाले वीडियो में यूज होता है ये वाला इफेक्ट, जिसका नाम है रोटी क्यूब। ठीक है, रोटिंग क्यूब में आप सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए जल्दी जल्दी ये घूमने लग गया है। ज़्यादातर ये न्यूज वाले वीडियो में यूज होता है। अगर आप न्यूज वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस तरीके का आप अपने लोगो का एनिमेशन लोगो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपसे बताऊंगा कैसे आपको इसे यूज करना है अपनी वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एनिमेशन इफेक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसे कस्टोमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा सेक्शन दिया गया है, जिस यहाँ पे आप स्पीड इसका कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी स्पीड में आपको घुमाना है। ओके, और यहाँ पे आप साइज में सेट कर सकते हैं किस साइज में आपको रखना है। और यहाँ पे आप एनिमेशन लूप पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं स्पीड मैनेज कर सकता हूँ। टोटल फ्रेम अगर आप यहाँ पे देंगे तो ये थोड़ा स्लो में चलेगा, कि ये कितने फ्रेम में कितनी तेज़ी से घूमेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड अदर साइड इमेजेस, यानी कि ये जब घूम रहा है तो ये घूमते घूमते इसमें कई सारी इमेजेस आ जाएं। अगर आप ये चाहते हैं तो यहाँ पे आप साइड टू पे क्लिक करके आपको एक इमेज अपलोड कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लोगो अलग सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये घूमते घूमते दूसरा लोगो भी आ जाता है। तो आप इसी तरीके से यहाँ साइड बाई साइड सेट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है अपनी वीडियो में, अगर आपको इसे यूज करना है तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप बैकग्राउंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कलर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे ग्रीन स्क्रीन में सेट कर लेना है, ताकि ये आसानी से रिमूव हो जाए ग्रीन स्क्रीन, और आप हर वीडियो में इसे यूज कर पाए। ओके, तो यहाँ पे आपको ग्रीन स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पे डाउनलोड जिप पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड जिप पे क्लिक करने के बाद ये आपके कंप्यूटर या गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ी देर आपको लग सकती है डाउनलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने में, तो आपको वेट कर लेना है। और आप इसे हर वीडियो में ग्रीन स्क्रीन को हटा के यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक मोबाइल फोन से या लैपटॉप से 3D एनिमेशन लोगो कैसे बनाया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।